अभी रूम की हुई है बहुत बुरी हालत, ये देख सकते हो आप। काफी सारी एयरिंग्स मैंने घर छोड़ी हुई, कुछ मैं यहाँ ले आई थी मोरी मोरी नगरी में। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे है ना? मैं भी ठीक हूँ। सो आज मिला हमें फिर से ऑफ, क्योंकि आज है बैसाखी पर्व। आप सभी को पता होगा, तो बैसाखी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सो आज मैं ना हाइक पे जाने वाली हूँ, और कहीं नहीं जाने वाली हूँ, रूम पे ही रहने वाली हूँ। तो चलिए करवाते हैं आपको अपना मोरी वाला रूम टूर। सफाई भी है करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा रूम फैला है, तो चलिए सफाई के साथ साथ आपको रूम टूर करवाते हैं। चलो। तो अभी रूम की हुई है बहुत बुरी हालत, ये देख सकते हो आप। फैला फैला रूम मेरे, ये कपड़े डेली स्कूल चेंज कर करके लेके जाती हूँ तो फैले हैं, सब फेंके हैं मैंने ऐसी। और ये इधर क्रीम पाउडर खिड़कियों के पास रखे हुए, फेस वॉश। तो यहाँ पे मैंने किए पर्दों को फोल्ड, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रहा था। मैंने कहा विंडोज़ खोल देती हूँ, थोड़ा सा इसकी सफाई भी कर दूँगी। तो मैंने विंडोज़ भी ओपन कर दी थी। और मोरी वाला जो ये रूम है मेरा, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये विंडो जो देख रहे हो आप, यहाँ से इतनी प्यारी लोकेशन दिखती है, सुंदर सुंदर पहाड़ दिखते हैं, तो मज़ा आ जाता है। तो बिस्तर काफ़ी टाइम से मैंने सुखाए नहीं थे धूप में, मैंने कहा बाहर रख देती हूँ, अच्छी सी सूख जाएंगे, क्योंकि अच्छी धूप लगी थी आज। ट्रॉफी देख रहे होंगे आप लोग, ये मेरी को एनुअल डे वाले दिन स्कूल से। बादाम और किशमिश दिखाए थे बट खाए नहीं मैंने। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मेडिसिन, गम, चूर्ण, घड़ी, स्पीकर, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। कंफ्यूज्ड, आई एम सो कंफ्यूज्ड गाइस। जैसे मैं अंदर डालती हूँ वैसे ही ठंड आ जाती है और फिर वापस निकालने पड़ते हैं। मोदी की ठंड जो है जाएंगी है दोस्तों, तो ये निकलवा देती है ठंड। मोदी की ठंड जो है जैकेट वगैरह वापस निकलवा देती है, बैग में रखती तो बोलती ना। तो मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह, बैग जो थे नीचे फैले हुए, वो सब मैंने एक ही जगह ढेर लगा दिए गाइस। तो अब जो ये इधर नीचे फैला है उसको करते हैं ठीक। और नीचे भी काफ़ी सारे बैग हैं, कपड़े ढेर सारे कपड़े ले लो गाइस, कपड़े ले लो। तो ये सब मैंने यहाँ पे
ढेर लगा रही है कपड़ों की और बेड की। अब है इधर वाला सामान। तो इसमें है ढेर सारी बुक्स मेरी, ये एक ही पेटी में रखी हुई मैंने। तो ये है डायरी। डायरी लिखने का किस किस को शौक है गाइस, ये गिफ्टी डायरी है, ये छोटी सी डायरी मैंने ली थी बहुत पहले। द परफेक्ट अस दूजो दत्ता की बुक एंड विश आई कुड टेल यू ये भी बुक है। काफ़ी सारी मीन चार बुक्स हैं मेरे पास अभी। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, उसमें बताया गया है। और लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के बारे में बताया गया है इसमें, तो ले सकते हो आप ये बुक और पढ़ सकते हो उसको, काफ़ी अच्छी बातें बताई गई है इसमें। और ये बुक मैंने पता नहीं कौन से सन की ली हुई है, बट मैंने इनको खोल के नहीं देखी है, थोड़ी थोड़ी देखी है बस। पैसा खर्च करो किताबों पे और पढ़ो मत। तो ये है इयररिंग्स, और ऐसे इयररिंग्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो इसका भी एक दिन अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी अपने जितने भी मेरे पास इयररिंग्स हैं। ढेर सारे इयररिंग्स हैं, मेरे को भी जरूर शौक होता है इयररिंग्स का, तो कोई मुझे गिफ्ट करना चाहिए तो प्लीज़ इयररिंग्स वगैरह गिफ्ट करना मुझे, ठीक है। इसका भी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ओके काफ़ी सारे इयरिंग्स मैं घर पे छोड़ के आई हूँ, और काफ़ी सारे घर लाई हूँ मोरी नगरिया में गई। ये गोवा की निशानी है जो कि भाभी लाई थी, छोटी भाभी वहाँ से। इसमें भी इयरिंग्स हैं, इयरिंग्स काफ़ी सारे इयरिंग्स, अलग अलग वैराइटीज के इयरिंग्स। झुमका झुमका ये देखो सारे इयररिंग्स है दोस्तों, तो उसको मैं दिखाऊंगी अच्छे से अलग से व्लॉगिंग में। ओके है जूता गैंग एंड चप्पल गैंग, अलग अलग वैरायटीज की जूती चप्पल। मोस्टली मेरा रूम फैला ही रहता है, और जिस दिन हमें ऑफ मिलता है उस दिन मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ अच्छे से।
तो ये है मेरा मोरी वाला रूम, कैसा लगा आप लोग को बताइएगा कमेंट करके। और ये है रूम की बाहर का व्यू, खूबसूरत व्यू, चीड़ के बड़े बड़े पेड़, खूबसूरत पहाड़। और सफाई के बाद मेरा रूम कुछ इस तरीके का लगता हुआ, खूबसूरत प्यारा सा। मैं तो और टाइम तो बहुत ज़्यादा फैला के रखती हूँ यार मैं रूम, क्योंकि स्कूल जाते हैं कपड़े जो हैं कुर्तीज़ वगैरह ऐसी चेंज कर करके लेके जाते हैं तो फेंक देते हैं ऐसी, और फैल जाता है फिर रूम खुद ब खुद। बट आज मैंने उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। ये बाहर मेरे बिस्तर सूख रहे हैं। दीदी क्या बना रही? दीदी चावल, इसमें तो कुछ नहीं है दीदी। दीदी अभी बना लेना, अभी तैयार करती हूँ। सुबह के बर्तन मेरे इतने सारे देर लगी। सो सफाई करने के बाद मैं आ गई बाथरूम में, क्योंकि नहाने के लिए मेरे को लगाना था पानी, तो मैंने लगाई यहाँ पे रॉड ताकि पानी गर्म हो जाए। और मैं गर्म पानी से पानी हो गया है खत्म, तो चलिए स्रोत का पानी ले आते हैं पीने के लिए। हाय छोटे, क्या कर रहा है छोटे? बोलता नहीं कुछ, आज तो नमस्ते भी नहीं कर रहा छोटे। नमस्ते, ये कहाँ लेके जा रही है इतने बड़े बड़े कंकर? पापा लाएंगे? नाइच, वेरी नाइच। डॉन, छोटी डॉन, छोटे डॉन, पड़ोसियों का छोटा डॉन। घुमक्कड़ बच्चे। रूम की सफाई हो गई थी, पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था और पानी भी ले आई थी पीने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा जब तक पानी गर्म हो रहा है क्यों ना मैं अपने फेस पे फेस पैक लगा लूँ। चंदन का फेस पैक अप्लाई किया मैंने अपने फेस पे। जी तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।